नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं डेकोरेशन के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें लेके आता हूँ। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा एक टॉपिक लेके आया हूँ, एक स्टेज लेके आया हूँ, जैसे मैं आपके सामने बना के दिखाऊंगा, आप भी उस तरह से स्टेज बना के सीख सकते हो। उस तरह की स्टेज मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह आपके लिए वीडियो होने वाली है। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए वीडियो को चालू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस तरह का आप फ्रेम बनवा लेना बहुत ही यूजफुल होने वाला है डेकोरेशन में। और आज भी मैं आपको इसी स्टैंड से, और कुछ स्टैंड मेरे पास हैं, और मैं उन स्टैंड से बहुत ही प्यारी आज स्टेज बनाने वाला हूं। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। फ्रेम हमारा 8x8 का फ्रेम है, और इसके स्टैंड मैंने आपको टी टाइप के स्टैंड बताए थे कि इसके खड़ा करने के लिए हम टी टाइप के स्टैंड बनवा सकते हैं। और दूसरा आइटम हमारे पास ये रिंग है। इस तरह की रिंग के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह की रिंग आप कैसे बनवा सकते हो और किस पाइप में इसे बनवा सकते हो, मेरी पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। और आज मैं इसी रिंग से आपको यह स्टेज बना के दिखाऊंगा। और तीसरा आइटम मेरे पास यह रिंग है, जिसका रिंग का साइज रहेगा आपका 2x2 की रिंग। नजर आ रहा होगा मैंने 2x2 की रिंग आपका एकदम टॉप पे स्टैंड के बांध दी है। आप भी इस तरह से इस रिंग को बांध सकते हो। और इसमें क्या लगाना है मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में। आज गाइज हम इस तरह का कपड़ा यूज करने वाले हैं। इस तरह का कपड़ा आप भी यूज कर सकते हो, बहुत ही प्यारा कलर है ये। और यह हमारा क्रेप कपड़ा है, जिसे हम चुन्नी वाला कपड़ा बोलते हैं। गाइज मैंने इसमें कपड़ा आपको लगा के दिखा दिया, इस तरह से आप कपड़ा लगा सकती हो। और मैंने इसमें करीब करीब एक एक फुट की दूरी पे इसमें चुन्नटें बनाई हैं, आप इस तरह की चुन्नटें बना सकते हो। और जैसा हमने कपड़ा ऊपर लगाया है वैसा ही कपड़ा हम इसे नीचे बांधेंगे इन तारों की मदद से। लगा के आपको दिखा दिया है, आप भी इस तरह से कपड़ा लगा सकते हो उन तारों की मदद से। इस तरह के तार बहुत ही काम आते हैं ये डेकोरेशन में, इस तरह के तार आप यूज कर सकते हो, जिससे हमारा कपड़ा फटता भी नहीं है। अगर आप चोवा भी यूज करोगे तो उससे बहुत ही नुकसान होता है कपड़े में, पर इन तारों से कोई भी नुकसान नहीं होता कपड़ों से। गाइस मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है कि इस तरह की आप जाली कैसे बना सकते हो, घर पर ही आप इस तरह की जाली बनाना सीख सकते हो। जाली बनाना इस तरह से आप सीख सकते हो, मेरी वीडियो पे आप चेक कर सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो, जहाँ से आप इस तरह की जाली बनाना सीख सकते हो। बहुत ही आसान होता है इस तरह की जाली बनाना। अपने इसमें जाली लगा के कंप्लीट कर दिया इसे, अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है। आप मेरी वीडियो पे लास्ट तक बने रहें, जो भी मेरी वीडियो पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन के बारे में जानकारी लेके आता रहूँगा। यूज करने वाले हैं इसमें आर्टिफिशियल गेंदा की लड़ी, आप इस तरह से यूज कर सकते हो इसमें। अगर आप ओरिजिनल फूलों से फूलों का काम करना चाहते हो तो आप उसमें ओरिजिनल फूलों की गेंदा की लड़ी लगा सकते हो। मैं आज आपको आर्टिफिशियल गेंदा की लड़ी लगा के इसमें दिखाता हूँ।
अगर इसके प्राइस की बात करो तो आपका 20 रुपये की पर पीस के हिसाब से आपको इस तरह की मार्केट में मिल ही जाएगी। राउंडिंग में आपका गेंदा की लड़ी लगा के दिखा दिया, अभी इस तरह से लड़ी लगा सकते हैं। आइए अभी आगे डेकोरेशन करते हैं इसे। जैसा कि आज आपको इस तरह की राउंडिंग नजर आ रही होगी, अगर आपके पास इस तरह की राउंडिंग नहीं है या इसका हाफ जिसे हम डी बोलते हैं, इस तरह का भी डी आप इसमें यूज कर सकते हो। हमने यह राउंडिंग इसके अंदर फंसा दी है, बहुत ही आसानी से आप इसके अंदर फंसा सकते हो, जैसे मैंने आपको फंसा के दिखा दिया है। जैसा कि गाइस आपको नजर आ रहा होगा, इस तरह की लड़ी हमने ज्वाइंट करके बड़ा साइज का बना लिया है। आप इस तरह से बड़ा साइज का बना सकते हो। अगर हमारे पास ओरिजिनल सामान है तो उसका साइज तो हमें एक ही लड़ी में बना सकते हैं, बट हमारे पास आर्टिफिशियल सामान है जो इसकी हाइट बहुत ही कम आती है, इसलिए हमने इसे ज्वाइंट किया है। आप इसे इसी प्रकार इसे ज्वाइंट करके इसमें फ्रेम में लगा सकते हो। जैसा कि गाइज आपको नजर आ रहा होगा, इस तरह से आप इसमें गेंदा की लड़ी इस तरह से आप लगा सकते हो, जैसा कि मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। जैसा कि गाइज इसमें हमने गेंदा की लड़ी लगा के इसे कंप्लीट कर दिया। अभी इसमें बहुत सारा काम अभी बाकी है। आगे मेरी वीडियो पे बने रहें, जो भी मेरी वीडियो पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जैसे कि आपको इस तरह का गैप नजर आ रहा है, इसमें इस तरह का गैप भी आपको कवर करना पड़ेगा। जैसा कि गाइस आपको इस तरह की हैंगिंग नजर आ रही होगी, इस तरह की हैंगिंग आज हम इस स्टेज में यूज करने वाले हैं। आप भी इस तरह की हैंगिंग यूज कर सकते हो, आप भी इसे खरीद सकते हो। अगर इसका प्राइस की बात करो तो इसका प्राइस 180 से 200 रुपये तक मिल जाता है। यह सब कपड़े का सामान है, आपका आर्टिफिशियल सामान है, इस तरह से भी आप यूज कर सकते हो उस पर। जैसा कि गाइज आपको इस तरह की चूड़ी की डिजाइन नजर आ रही होगी, इस तरह की हैंगिंग आप भी खरीद सकते हो मार्केट से। इसका अगर प्राइस की बात करो तो आपको 110 रुपये की 120 रुपये की आपको पर पीस के हिसाब से यह मिल जाएगी। आज हम इसे भी यूज करने वाले हैं इस स्टेज पर। मैंने आपको इन स्टैंडों के बारे में भी बताया था, यह आपका स्टैंड 3 फुट के हाइट के स्टैंड है। आप भी इस तरह से अपनी डेकोरेशन के लिए स्टैंड बनवा सकते हो। जैसा कि गाइज आपको इस तरह के बुके नजर आ रहे होंगे, इस तरह के बुके के बारे में मैंने आपको बताया था पहले भी, पहले वीडियो में भी, आप इस तरह के बुके बना सकते हो और बहुत ही आसान रहता है इन्हें यूज करना।
जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा गाइस, इस स्टैंड में हम आसानी से इसे लगा देते हैं। दोनों तरफ इनका यूज होगा। जैसा कि गाइस आप देख सकते हो, इस तरह से हमने इन स्टैंडों में बुके लगा दिए हैं। आप भी अपने इंट्रेंस वगैरह काफ़ी जगहों पर यूज होते हैं, आप भी इस तरह के स्टैंड बनवा सकते हो। स्टेज पर भी यूज होते हैं या इंट्रेंस वगैरह गेट वगैरह काफ़ी जगहों पर यूज होते हैं, इस तरह के आप भी स्टैंड बना सकते हो। जैसा कि गाइस आपको इस तरह की पतंग नज़र आ रही होंगी, या पतंग हमारी मार्केट में अगर बात करो तो या 100 रुपये की, या 80 रुपये की, 90 रुपये की पर पीस के हिसाब से मिल जाती है। आप भी इस तरह की हैंगिंग या पतंग यूज कर सकते हो। जैसा कि गाइस आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ही प्यारी स्टेज हमारी बन गई है, बट अभी इसमें थोड़ा और काम बाकी है। जैसा कि गाइस आपको इस तरह के टप नज़र आ रहे होंगे, यह बहुत ही आसान रहता है इन्हें यूज़ करना, तो आज मैं इन्हें यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, इसके दो भाग हैं, इसे ज्वाइंट करना होता है। जैसा कि देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारा स्टैंड बन के तैयार हो चुका है, या टप या पोर्ट वगैरह कुछ भी आप इसे बोल सकते हो। बहुत ही लाजवाब है, इस तरह से आप भी अपनी डेकोरेशन के लिए खरीद सकते हो। जैसा कि गाइस मैंने इस तरह के पोर्ट आपको डेकोरेट करके दिखा दिए हैं, आप भी अगर इसमें अभी थोड़ा सा काम बाकी है, आप देख सकते हो इसमें अभी गुलदस्ता लगाना बाकी है, मैं आपको गुलदस्ता लगा के इसमें दिखाता हूँ। जैसा कि गाइस आपको इस तरह के गुलदस्ते नज़र आ रहे होंगे, मैंने काफ़ी बताया कि आप इस तरह के गुलदस्ते बना सकते हो। आज मैं इसमें पोर्ट में इसी को यूज़ करने वाला हूँ। आप एक पोर्ट में 4 या 3 इस तरह के गुलदस्ते रख सकते हो। देख सकते हो इस तरह से बहुत ही प्यारा लुक निकल के आया है इस स्टेज का। आप भी इस तरह की स्टेज बना सकते हो, और यहाँ पर हल्दी मेहंदी का जो भी फंक्शन हुआ, आप आराम से 2-3 लोग बैठ के आराम से कर सकते हैं। इस तरह की आप डेकोरेशन कर सकते हो। इसमें अगर टैग लगाना चाहते हो हल्दी मेहंदी का, तो आप एक टैग यहाँ पर और एक टैग यहाँ पर हल्दी मेहंदी का टैग आप लगा सकते हो। किसी भी छोटे मोटे फंक्शन के ये यह बहुत ही प्यारी स्टेज है। अगर इसके चार्ज की बात करूँ तो आप कस्टमर से 4 से 5 हज़ार रुपये आप ले सकते हो। तो गाइज मैंने आपको बहुत ही प्यारी स्टेज बना के दिखा दी है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लेके आता रहूँगा। आज टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार जी।